Unit 16, Chapter 8. Unit 16 ऑप्टिक्स है और Chapter 8 इंटरफेरेंस है, वेव ऑप्टिक्स का पार्ट हम लोग देख रहे हैं. यूनिट 16 11 चैप्टर में बटे हुए हैं. पहला चैप्टर रिफ्लेक्शन, दूसरा रिफ्रैक्शन, तीसरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, चौथा लेंस, पांचवा प्रिज्म, छठा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, सातवा हाइजेंस वेव थ्योरी, आठवा इंटरफेरेंस, नौवा डिफ्रैक्शन, दसवा पोलराइजेशन, ग्यारहवा डॉपलर इफेक्ट. तो इस प्रकार से 11 चैप्टर है. हम लोग अभी पहले पार्ट में स्टेट देखने जा रहे हैं, जो इस चैप्टर और इस यूनिट से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं नीट में. आइए फर्स्ट पार्ट पे हम लोग चलते हैं, स्टैट देख रहे हैं. तो नीट इस साल 2023 में नीट के दो पेपर्स हुए और यूनिट 16 से 8 क्वेश्चन पूछे गए, 8 क्वेश्चन. और इंटरफेरेंस से, चैप्टर इंटरफेरेंस से एक क्वेश्चन, वह एक क्वेश्चन पहले एग्जाम में था, दूसरे एग्जाम में नहीं था. और टोटल नीट की अगर बात करें तो 1988 से 2023 तक 36 ईयर्स हुए और 41 पेपर्स हुए, यूनिट 16 से 134 क्वेश्चन, 134 क्वेश्चन, 134 क्वेश्चन. और इंटरफेरेंस की बात करें, आठवां नंबर चैप्टर, तो 25 क्वेश्चंस, टोटल 25 क्वेश्चन पूछे गए. तो ये हम लोगों का स्टैट है जो हम लोग अपने पढ़ाई के फर्स्ट पार्ट में देख रहे हैं. पहले पार्ट में हम लोग स्टैट और डाटा देखते हैं, जो यूनिट से कितने क्वेश्चन हैं और इस चैप्टर से, जिसका हम लोग अभी डिस्कशन और सॉल्यूशन करने जा रहे हैं क्वेश्चन का, उससे कितने क्वेश्चन पूछे. तो आइए ये एक क्वेश्चन का भी हम लोगों को सॉल्यूशन करना है और ये 25 क्वेश्चन जो है इनका भी सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे. ये वन ईयर कोर्स नीट के लिए जो तैयार है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो उसमें इस सब के सॉल्यूशन है. तो अभी हम लोग सेकंड पार्ट पे आ रहे हैं. सेकंड पार्ट पे हम लोग इंटरफेरेंस का कंटेंट देखेंगे और थर्ड पार्ट पे सॉल्यूशन करेंगे, क्वेश्चन और सॉल्यूशन का डिस्कशन देखेंगे. तो हम लोग अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं, जहां कंटेंट देखते हैं, चैप्टर कंटेंट देखा जाए. ये हम लोग के पढ़ाई का सेकंड पार्ट है, जिसमें हम लोग चैप्टर कंटेंट देख रहे हैं. चैप्टर कंटेंट सिनॉप्सिस, चैप्टर में जो जो चीज पढ़ने हैं उसका सिनॉप्सिस है, रूपरेखा है, आउटलाइंस है. तो यूनिट 16 है ऑप्टिक्स, चैप्टर 8 है इंटरफेरेंस. इसमें तीन मेजर टॉपिक्स हैं, इसमें टोटल थ्योरी को डाला गया है, टोटल कंटेंट इसी में है. पहला टॉपिक है इंटरफेरेंस YDSE थ्योरी, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. यंग साहब जो एक्सपेरिमेंट किए थे इंटरफेरेंस के लिए और जिसके द्वारा वह वेवलेंथ ऑफ वेव पहली बार एक्सपेरिमेंटली निकाले थे, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. और इसमें बहुत सारे सब टॉपिक आएंगे, बहुत सारे सब टॉपिक हैं. आइए फ्रिंज विड्थ एंड फ्रिंज शिफ्ट. जब स्क्रीन पे फ्रिंज तैयार होता है तो उसका विड्थ क्या होता है, अब वो फ्रिंज किस प्रकार से स्क्रीन पे शिफ्ट कर सकता है और करता है, क्या चेंजेस आते हैं, उसके बारे में हम लोग इस सब टॉपिक बहुत सारे में पढ़ेंगे.
इंटरफेरेंस इन थीन फिल्म्स, थीन फिल्म अगर रहे ट्रांसपेरेंट मीडिया का, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट कर जाए, कुछ पार्ट ट्रांसमिट कर जाए, तो उस केस में जो इंटरफेरेंस होता है तो इसको यहाँ स्टडी करते हैं। इसमें भी हमारे पास सब टॉपिक्स हैं। तो इस प्रकार से पूरा कंटेंट इस तीन टॉपिक और बहुत सारे सब टॉपिक में डिवाइडेड है। वन ईयर कोर्स में हम लोग इसको इन डिटेल्स में फिगर फॉर्मूला ग्राफ के साथ देखेंगे। अभी हम लोग इन शॉर्ट में देखें। अब आते हैं सवाल पे। वह एक सवाल जो इस साल पूछा गया है वो क्या कह रहा है, और फिर इसके सॉल्यूशन को हम लोग गौर करेंगे। तो इंटरफेरेंस का यह एक सवाल है और ये हम लोगों के सीरीज का 84th पे आ गए, 84वां सवाल पे आ गए। जिस 100 क्वेश्चन को पढ़ना है जो इस साल नीट में पूछे गए हैं, तो उसमें से ये 84th पे है। हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का सवाल है। दो स्टेटमेंट दिया गया है, स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू, दोनों को पहचानिए और देखिए कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन गलत है, और ये चार ऑप्शन को चूज कीजिए। क्वेश्चन क्या कहता है पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट वन, स्क्रीन को मूव किया गया, अबे दूर ले जाया गया प्लेन ऑफ स्लिट से, स्लिट से स्क्रीन को दूर किया गया तो एंगुलर सेपरेशन फ्रिंज का कांस्टेंट रहता है, सही है कि गलत है। और दूसरा है मोनोक्रोमेटिक सोर्स को रिप्लेस कर दिया गया दूसरे सोर्स से जिसका लार्जर वेवलेंथ है, मतलब पहले जो वेवलेंथ गिर रहा था उससे ज्यादा वेवलेंथ का कोई अगर लाइट गिरता है तो एंगुलर सेपरेशन डिक्रीज करता है, क्या मतलब लेमडा बढ़ता है तो एंगुलर सेपरेशन डिक्रीज करता है, सही है कि गलत है। ट्रू और फॉल्स में गौर कीजिए, फिर सही ऑप्शन चूज कीजिए। आइए हम लोग फॉर्मूला के साथ देखते हैं, फिर फिगर भी बना करके समझेंगे। हम लोग अपने सॉल्यूशन में पहला स्टेप रखते हैं कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला, और दूसरे स्टेप में सॉल्व करते हैं। आइए, तो एंगुलर विड्थ जो होता है फ्रिंज का वो हम लोग जानते हैं थीटा डब्लू लेमडा बाय डी, मतलब लेमडा के प्रोपोर्शनल और डी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डी मतलब सेपरेशन ऑफ स्लिट्स, फोटो में देख लिया जाए, फोटो में देखिए, फोटो अगर यहां बनाते हैं तो ये मेरे पास दो सोर्स है, ये दो सोर्स है, ये दो, ये भी एक स्क्रीन रहता है, ये भी एक स्क्रीन ही है, ये दो सोर्स है, इसे कहते हैं S1, इसे कहते हैं S2। लेकिन अभी स्क्रीन का मतलब ये हुआ, ये स्क्रीन, स्क्रीन का सिंबल हम लोग सिग्मा से लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता क्या है, इस दोनों के बीच की दूरी को हम लोग डी कहते हैं, डी स्मॉल डी, और इस दूरी को हम लोग कैपिटल डी कहते हैं, समझने का प्रयास कीजिए। हाँ, तो इस दोनों के बीच को डी को बढ़ाया जा रहा है, दोनों सेपरेशन को बढ़ाया जा रहा है, तो इस डी के बढ़ने से कहीं भी कोई फ्रिंज बने तो वो डी पर डिपेंड नहीं करता, ये स्मॉल डी और लेमडा पर डिपेंड करता है। कोई भी एंगुलर सेपरेशन अगर हम गौर करें, यहां से इसको गौर करें, या यहां अगर फ्रिंज बनता है तो इस जगह से गौर करें, इसके सेंटर से गौर करें कितना एंगल बनता है, ये एंगल गौर करें चाहे ये एंगल गौर करें, तो आपको पता चलेगा ये लेमडा और डी पे, कैपिटल डी पे डिपेंड नहीं करता है। तो इस तरह से आप गौर कर लीजिए, पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया, बिकॉज डी पर डिपेंड नहीं करता है। अच्छा, दूसरा कहता क्या है, सेकेंड में कह रहा है जो लेमडा को बढ़ा दिया गया है, मतलब शुरू में लेमडा वन था, अब क्या गिर रहा है, लेमडा टू गिर रहा है, लेमडा टू, लेमडा टू, और लेमडा टू बड़ा है लेमडा वन से, तो लेमडा अगर बढ़ेगा, वेवलेंथ बढ़ेगा, वेवलेंथ बढ़ेगा तो ये डिक्रीज नहीं करेगा, इंक्रीज करेगा,
अगर लेमडा इंक्रीज करेगा तो डी डब्ल्यू इंक्रीज करेगा, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। स्टेटमेंट में लिखा हुआ है जो लेमडा इंक्रीज करेगा तो डिक्रीज करेगा, तो फॉल्स। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स, सही ऑप्शन क्या आ गया, टू आ गया। तो इसी चीज को गौर करना, एंगुलर विड्थ को गौर करना था, लेमडा और डी के टर्म में समझना था, गौर किया। इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। अब अगर देखा जाए, हम लोग इसी एक सवाल को सॉल्व करने का टारगेट बनाए थे, यह एक सवाल इंटरफेरेंस का जिसे हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, यह 25 सवाल इसके सॉल्यूशन के लिए हम लोग 1 ईयर कोर्स में फिर से मिलेंगे, और इंटरफेरेंस के बाकी सवाल और इस यूनिट के बाकी सवाल और पूरे फिजिक्स के हर यूनिट के सवाल के साथ फिर मिलेंगे।